गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत धातु का चौथा पाठ जिसका नाम है तितली। ये बच्चों एक कविता है और इस कविता के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। तो जैसे कविता का नाम है कठपुतली, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पपेट कहते हैं। और आपने पपेट शो देखे भी होंगे बच्चों। ये हमारी बहुत पुरानी, जिसे कहते हैं बहुत पुरानी कला है राजस्थान की, और राजस्थान में ज़्यादा आपको पपेट शो देखने को मिलेंगे क्योंकि राजस्थान में इसके पपेट शो बहुत ज़्यादा होते हैं। और आजकल तो स्कूल्स में, बहुत सारे स्कूल में भी पपेट शो दिखाए जाते हैं बच्चों को। और आप रेस्टोरेंट और बाहर घूमने कहीं जाओ गार्डन में, तो भी आपको जगह जगह पपेट शो देखने को मिलेंगे। तो बहुत मज़ा आता है उनको देखने में। और आपने पपेट देखी होगी तो आप समझ पाओगे अच्छे से इस कविता के माध्यम से कि पपेट आपने देखी कि किस तरह से वो कपड़े की गुड़िया होती है और किससे बंधी होती है, धागों में बंधी होती है। तो इस कविता में जो हमारे कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी, उन्होंने कठपुतली के मन की बातों का ही वर्णन किया है कविता के अंदर। तो बहुत प्यारी सी कविता है ये हमारी। तो चलो शुरू करते हैं कविता जिसका नाम है कठपुतली। कविता की पहली पंक्तियाँ कि कठपुतली गुस्से से बोली, कठपुतली गुस्से से उबली, कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। क्या कहती है कठपुतली कि क्यों है ये धागे, मतलब कठपुतली को गुस्सा आ रहा है। गुस्से से उबली मतलब क्रोधित हो जाना, कि ये धागे, क्या बोलती है वो कठपुतली गुस्से से बोली, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। पांव पर छोड़ने से यह मतलब है अपने ऊपर निर्भर होना। पांव पर छोड़ना मतलब मुझे मेरे ऊपर निर्भर हो जाना, मतलब अपने ऊपर निर्भर होना। तो कविता की पंक्ति यहाँ पे कवि जो है हमारे भवानी प्रसाद मिश्र जी वो कहना चाह रहे हैं। तो क्या कहा है उन्होंने कि कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। कठपुतली को गुस्सा आ रहा है, क्या आ रहा है, क्रोध आ रहा है उसको। उसको बहुत गुस्सा आ रहा है, क्यों, कि वो धागों से बंधी हुई है, उसका जो सारा शरीर है वो धागों से बंधा हुआ है और वो दूसरों के इशारों पर ही नाचती है। तो उसको किस बात पे गुस्सा आ रहा है कि उसको धागों में बंधना अच्छा नहीं लग रहा है, उसे पराधीनता के जीवन में अच्छा नहीं लग रहा है। वो क्या चाहती है, आजाद होना चाहती है, पराधीनता के जीवन से आजाद होना चाहती है। वो इन धागों को तोड़ देना चाहती है। वो क्या कहती है कि ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। वो इन धागों को तोड़कर, यानी इस बंधन को तोड़ के आजाद होना चाहती है। और वो क्या चाह रही है, अपने पांव पर खड़े होना चाहती है कठपुतली। उसके अंदर कैसी इच्छा जगी है, मतलब उसको ये, उसको कैसा लग रहा है, वो क्या कह रही है कि वो कहती है कि उसे मतलब बहुत क्रोध, मतलब गुस्सा आया है। सबसे पहले कठपुतली क्या रहा है, गुस्सा आ रहा है। जो कठपुतली है उसको गुस्सा आ रहा है कि इन धागों से जो वो जकड़ी हुई है, वो कहती है इन धागों को तोड़ दो और मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। मतलब वो क्या चाहती है, वो आजाद होना चाहती है इन बंधनों से। और वो पांव पर छोड़ दो मतलब वो अपने पैरों पर खड़े होना चाहती है, वो खुद आत्मनिर्भर बनना चाहती है, वो अपने ऊपर निर्भर होना चाहती है। वो इस बंधन में रहना उसको अच्छा नहीं लग रहा है। इस बंधन में बंधने के कारण उसको बहुत अंदर से गुस्सा आ रहा है, क्योंकि वो अपनी मन मर्जी का कुछ नहीं कर पाती है। वो हमेशा बंधन में बंधी रहती है और जो दूसरे उसे जैसे नचाते हैं अपने इशारों पर, उसको वही सब कुछ करना पड़ता है। तो इसलिए उसको क्या आ रहा है, उसको बहुत गुस्सा आ रहा है। उसके मन में ये ऐसी भावना आई है कि उसको ये आजाद, उसे मतलब इन बंधनों में नहीं रहना है, उसको क्या होना है, उसको आजाद होना है। और उसको इसी बात को लेके क्रोधित हो रही है कठपुतली। फिर आगे सुनकर बोली और कठपुतलियां, सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छोड़े। सुनकर बोली और से मतलब है यहाँ दूसरी कठपुतलियों से। तो सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छोड़े। अपने मन के छंद छोड़े मतलब अपने मन मर्जी का कोई काम करना, मतलब अपने मन मर्जी का करना। तो दूसरी जो कठपुतलियां, उनके मन में भी अब विद्रोह की भावना जागृत हुई है। क्या जागृत हुई है, विद्रोह की भावना। पहली कठपुतली की बात सुनकर दूसरी कठपुतलियां जो है बाकी की, उनके मन में भी क्या जागृत हुई, विद्रोह की भावना जागृत हुई। और वो कह रही है हाँ ये बात सही है कि बहुत समय हुआ है जब हमने अपनी मर्जी, मन मर्जी का तो कभी कुछ किया ही नहीं है, हमेशा हमें दूसरों के इशारों पर ही नाचते रहे हैं। हम जैसे जो हमें नचाता है हम वैसे ही नाचते हैं। तो वही कह रही है कि हाँ ये बात सच है कि हमें बहुत दिन हुए हमने अपनी मन मर्जी का कुछ
कुछ भी नहीं किया है, हमने क्या किया है, सिर्फ हम दूसरों के इशारों पर ही चलते हैं। तो उनके मन में कैसी इच्छा जागृत हो रही है, अपने मन मर्जी मतलब विद्रोह जागृत हो रहा है। तो बाकी सारी कठपुतलियां भी विद्रोह करने के लिए तैयार हो गई है, खड़ी हो गई है। किसके साथ? पहली कठपुतली के साथ खड़ी हो गई है कि हाँ हम भी तैयार, मतलब हम भी विद्रोह में शामिल है, उसके साथ शामिल हो जाती है विद्रोह करने में। और कह रही हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, मतलब हमें तो याद ही नहीं है कि कितना समय हो गया जब हमने अपनी मन मर्जी का कुछ भी किया हो। तो उनके मन में भी यही आ रहा है कि हाँ अब हमें आजाद होना है, इन बंधनों से मुक्त हो जाना है। तो सारी कठपुतलियां पहली कठपुतली के साथ हो लेती है और विद्रोह में तैयार हो जा शामिल हो जाती है, मतलब सबको अब क्या होना है, आजाद होना है। लेकिन फिर क्या होता है, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अब क्या है, पहली कठपुतली को गुस्सा क्यों आया था, क्योंकि वो अकेली थी और बंधनों में थी, तो वो आजाद होना चाहती थी, उसके मन में विद्रोह की भावना आई थी। विद्रोह की भावना क्यों आई थी, क्योंकि वो अकेली थी और आजाद होना चाहती थी, और विद्रोह करने के लिए तैयार भी हो जाती है वो पहली कठपुतली जो है। लेकिन जब सारी कठपुतलियां उसके साथ आ जाती है तो वो सोच में पड़ जाती है, क्योंकि वो फिर सोच में पड़ जाती है कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अब उसको सोच ये पड़ जाता है कि अब सारी कठपुतलियों का जो जवाबदारी थी वो उसके ऊपर आ जाती है, जो जिम्मेदारी है सारी कठपुतलियों की वो उसके ऊपर आ गई है, क्योंकि सारी कठपुतलियों ने उसके साथ मिलकर विद्रोह करने का निश्चय कर लिया है। तो अब वो सोच में पड़ गई है कि मैंने जो ये कदम उठाया है क्या ये मेरा कदम सही है। उसने जो सोच अब उसके मन में सोच में पड़ रही है वो कि उसने जो ये कदम उठाया है आजाद होने का, कि उसे अपने पांव पर खड़े होना है, आत्मनिर्भर बनना है, तो क्या उसका ये कदम सही है? क्यों कि अब उसके ऊपर किसकी जवाबदारी आ गई है, उसके ऊपर जिम्मेदारी दूसरी कठपुतलियों की भी आ गई है। पहले तो वो अकेली थी, जब उसने विद्रोह का कदम विद्रोह करने की सोची थी और उसे गुस्सा आया था तब तो वो अकेली थी, और उसने अपनी अकेली के लिए सोचा था कि भाई अब मुझे इन धागों से आजाद हो जाना है, अब मुझे इन बंधनों में नहीं रहना है। लेकिन जैसे ही और कठपुतलियों ने उसकी बात सुनी तो उनके मन में भी विद्रोह की इच्छा जागृत हो गई, और वो भी उसके साथ तैयार हो गई कि हाँ हमें भी विद्रोह करना है, मतलब हमें भी अब आजाद होना है। वो सारी उसके साथ शामिल हो जाती हैं, सभी को आजाद होना है, सभी को अपने पांव पे खड़े होना है, आत्मनिर्भर बनना है। तो अब क्या हो कि अब उसके मन में ये आ रहा है, वो सोच में पड़ रही है कि उसने जो ये कदम उठाया है क्या उसका ये कदम सही है। ये वो सोच में पड़ जाती है कठपुतली, जो पहली कठपुतली है वो यही सोच रही है ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अब वो ये सोच रही है कि मैंने जो ये कदम उठाया है क्या मेरा ये कदम सही है, क्योंकि आज़ादी पाना, आज़ादी को पाना तो सरल है, चलो आज़ादी आपने पा ली और आपने बंधन तोड़ दिए, लेकिन उसको संभाले रखना बहुत ही कठिन काम है। तो ये सोचकर वो परेशान हो रही है कि भाई मैंने ये कदम तो उठा लिया, अब सारी कठपुतलियों की जवाबदारी उसके ऊपर आ गई है, जिम्मेदारी, तो क्या वो जिम्मेदारी को अच्छे से निभा पाएगी। ये सोचकर वो पहली कठपुतली जो है परेशान हो रही है, क्योंकि बच्चों आज़ादी पाना आसान है लेकिन उस आज़ादी को संभाले रखना बहुत ही कठिन है। तो यहाँ पे उसको आज़ादी सारी कठपुतलियों को उसके साथ आ तो गई, अब वो तैयार भी हो गई विद्रोह करने को, लेकिन अब उस विद्रोह को करने के बाद आजाद होने के बाद उस आजादी को बनाए रखना भी तो जरूरी है। तो ये सोचकर अब पहली कठपुतली सोच में पड़ गई है। तो ये थी आज की कविता, जिसके कवि कौन थे बच्चों, भवानी प्रसाद मिश्र जी इसके कवि थे। और कैसी लगी आपको ये कविता? अब आज मैं ये कविता खत्म हूँ, अब हमारी ये छोटी सी कविता थी, कविता खत्म करते हैं। अगली क्लास में नए पाठ के साथ मैं आपको नया पाठ पढ़ाऊंगी। तो आप लोग घर में रहो, सुरक्षित रहो और अपना ध्यान रखो बच्चों, और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी करनी है हमें, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते भी रहना। तो आज की क्लास खत्म करते हैं, बाय बाय बच्चों।